कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने एक आदेश जारी कर शिक्षकों की ड्यूटी राजकीय निर्देशों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में ना लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना काल में शिक्षकों की ड्यूटी शिक्षण कार्य के अलावा कोरोना संबंधित कार्यों में भी लगाई गई थी, लेकिन कई बार उपखंड अधिकारियों ने शिक्षकों की ड्यूटी टिड्डी टेरर, मनरेगा, आवारा पशुओं की गणना जैसे कार्यों में लगा दी थी, जिसको लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश था। ऐसे में मुख्य सचिव ने निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मेडिकल और पुलिस के बाद शिक्षकों ने ही कोरोना से लड़ाई में एक योद्धा की भूमिका निभाई है, जिसके चलते शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षकों को दूसरे कार्यों से मुक्त कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमारे शिक्षकों ने एक योद्धा के रूप में काम किया, और मैं सही मायने में अगर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे ज्यादा अगर कोई कोरोना संक्रमण रोकने में अपनी भूमिका निभाई है तो मेडिकल और पुलिस के साथ शिक्षक ने निभाई है, तो उनको तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कई जगह से ऐसी बातें आई हैं कि कोरोना के अलावा कार्यों के लिए प्रशासन ने अपनी हेल्प के लिए टीचर्स को लगा दिया गया है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए समय समय पर हमने उनको गाइडलाइन दी है। फिर भी हमने कल मैंने स्वयं ने माननीय जो है वो मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की थी, और डीवी गुप्ता जी जो हमारे मुख्य सचिव हैं उनको मैंने एक चिट्ठी लिखी है कि इसको ज़रा स्पष्ट किया जाए। उन्होंने हमारे शासन सचिव महोदया को अपने कमेंट के लिए दिया है, आज या कल में वो आदेश निकल जाएगा जिससे ये किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं रहेगी, और सभी जिला कलेक्टरों को शिक्षक को किस हद तक ड्यूटी पे लगाया जा सकता है इस कोरोना संक्रमण काल में या इसके अलावा, ये बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में मैं समझता हूँ इस तरह की कोई